मेटा ने थ्रेड्स ऐप जारी किया है। ट्विटर को थ्रेड्स ऐप कितनी टक्कर देगा ये जानते हैं। पहले तो समझ ले भाई, ये भाई साहब कुशल जी, ये थ्रेड्स ऐप है क्या? सर ये थ्रेड्स ऐप था, थ्रेड का मतलब तो धागे, ऐप तो हम जानते हैं। तो थ्रेड्स हम देखते ही हैं, जैसे ट्विटर पे चलता है तो एक के पीछे एक थ्रेड्स चलता है। तो यहाँ पर थ्रेड्स ऐप यानी कि इंस्टाग्राम का ही एक ऐप है, मेटा ने ये लॉन्च किया है थ्रेड्स, वो भी ट्विटर के अगेंस्ट। पर जिस तरह से ट्विटर पर एलॉन मस्क ने जो रीडिंग लिमिट लगाई है, जिसमें वेरीफाइड अकाउंट्स जो है करीबन पर डे लिमिट जो है 6000 पोस्ट पढ़ने की है, अनवेरीफाइड अकाउंट्स की 600 पोस्ट है, और साथ ही जो न्यू अनवेरीफाइड अकाउंट्स उनकी 300 पोस्ट है। तो जो रीडिंग लिमिट बेसिकली एलॉन मस्क ने लगाई है, उसके बाद यहां पर जो मार्क जकरबर्ग साहब है वो यहां पर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विटर पे पोस्ट किया है, और ये 11 साल बाद किया है अनिल सर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो उनका खुद का थ्रेड्स ऐप है उसको प्रमोट करने के लिए 2012 में उन्होंने पहले एक कोई जेनरिक ट्वीट किया था, उसके बाद ये इन्होंने 8 घंटे पहले ये ट्वीट किया है, जिसमें दो स्पाइडरमैन दिखा रखे हैं उन्होंने उस ट्वीट में। तो एलॉन मस्क का एक ट्विटर है और मार्क जकरबर्ग का थ्रेड्स उनके सामने अब कॉम्पिटिशन में उतर चुका है। 4 घंटे में 50 लाख साइनअप हो चुके ऑलरेडी। अच्छा, 50 लाख लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। ज्वाइन कर लिया, उसका नाम ही थ्रेड्स रखा है। थ्रेड्स है। मुझे भी करना है तो कैसे करूँ, मुझे बताओ। ऐप ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले। क्या नाम से रुको, एक कुशल सही बोल रहे हैं। बोल रहे हैं थ्रेड्स। हाँ थ्रेड्स आ जाएगा, आ गया, आ गया। हाँ, ऐप स्टोर पे आ गया। आगे बस इसको डाउनलोड कर दें। हाँ, इसको डाउनलोड कर दें। हाँ, और उसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने इंस्टाग्राम के साथ, अब ये इंस्टाग्राम का ही ऐप है, तो इंस्टाग्राम के जितने भी फॉलोअर्स हैं, कोई भी अगर कोई यूजर है वहां पे, तो उनकी सारी की सारी फॉलोअरशिप थ्रेड्स पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ, तो उसकी भी अनुमति आपको, तो ऐसा नहीं कि आपको अलग से वो अलग से फॉलोअर बढ़ाने की या उधर स्टार्ट वापस से करने की जरूरत है। थ्रेड्स का पर्पस क्या है? वो ट्विटर के अगेंस्ट ही उन्होंने लॉन्च किया है। थ्रेड्स इज सिमिलर टू व्हाट ट्विटर डज। अच्छा, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये क्या है, मैं ये समझूं कि ये जकरबर्ग साहब को ये जो $8-8 महीने के मांग रहे हैं, और फिर ऊपर बोले 1000 से ज्यादा नहीं पढ़ने दूंगा, नीला लोगे तो 10,000 से ज्यादा नहीं पढ़, ये उनको चुभ गया बहुत। अलग तो यही रहे सर, मुझसे इतना खर्चा करवाओगे और तो क्या हो सकता है? यही थॉट है सर, और उसमें भी वर्ड लिमिट का भी है, मतलब 500 वर्ड लिमिट उन्होंने थ्रेड्स पर पोस्ट करने वाली डाली हुई है। ट्विटर पे अभी भी 200 डिलीट कर दिया ना स्टॉक उन्होंने। बढ़िया, नहीं तो आज तो बैंड बजा। बराबर कुणाल जी, विशेष टिप्पणी जरा, जकरबर्ग साहब को बहुत बुरा लग गया जिसे जो कि मेरे ख्याल से एलन मस्क साहब $8-8 महीने के मांग रहे हैं और लिमिट लगा रहे हैं। अनिल जी, मुझे भी अनिल जी बहुत बुरा लगा इस बात का। अनिल जी, वो तो मैं अनिल जी शुरू नहीं कर पाया थ्रेड, लेकिन एक थ्रेड जरूर मैं इस पर लिखूंगा ट्विटर पर अनिल जी। लेकिन बुरा मुझे भी लगा अनिल जी, देखिए जो चीज फ्री में लोगों को कंज्यूम करने की आदत हो गई, उस पर अगर अनिल जी कोई शुल्क लगा दिया जाए तो बहुत चुभता है अनिल जी। जो चीज फ्री हो जाए उसके बाद उसके लिए पैसे देने पड़े तो बड़ा चुभता है। और इसके अलावा अनिल जी देखिए, शेयर का भाव भी देखिए, अब ट्विटर तो डिलिस्ट हो गया है, मेटा का शेयर आप देखिए अनिल जी 3 गुना हो गया इस साल, तो $100 से बढ़कर $300 हो गया अनिल जी, तो लगातार तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। क्या बात है, वाह, ये बात तो सही कही। या तो पहले पैसे ले लो, पैसे लेके कम कर लो, नहीं लेके लोगे तो फिर ये एग्जैक्टली हाँ ये तो जमता नहीं है। मजा आया, पूछ लेते हैं वाकई में सब कुणाल जी सोच रहे वैसे ही सोचते या लोग देने को तैयार है। क्या आप कुणाल जी की बात से कौन कौन सहमत है, हाथ खड़ा करें, कि पहले फ्री में देके फिर पैसे मांगो तो हमसे नहीं दिया जाएगा? कौन कौन सहमत है? सुमित जी सहमत है, जैन साहब सहमत है, हिमांशु जी, मेहुल जी, कौन कौन सहमत नहीं है? बंसल जी को खैर सहमत होते ही नहीं कुणाल जी से, वो तो ठीक बात है। अच्छा अच्छा, और वागले साहब भी नहीं है और श्रीकांत जी भी नहीं है, तो मेरा भी अभी तक मेरा और दीपांशु का ब्लू टिक लेना बाकी है। अच्छा, तो एक का स्पॉन्सर करेंगे वागले साहब, बिल्कुल एक का करेंगे श्रीकांत जी, एब्सोल्युटली। ये दोनों सहमत नहीं है, करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम दोनों का एक एक, बाकी सब लोग सहमत है कुणाल जी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी मैं श्रीकांत जी से करवा लूंगा। हाँ। और आजकल आप वागले साहब को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं। हाँ। तो वागले साहब प्लीज डू द ऑनर्स, दीप का ब्लू टिक आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं के लिए, स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए ना। बात ये नहीं कि आप वागले साहब आपका $8 का ब्लू टिक स्पॉन्सर करेंगे। कई बार होता है ना कि मतलब कोई लोकल वो पॉलिटिशियन या
क्या बोलना चाहिए, वो वार्ड मेंबर टाइप का आदमी जो होता है ना, जो लोकल छोटा पॉलिटिशियन का कॉर्पोरेट टाइप, छोटा बड़ा नहीं, छोटा सा ऐसा, लेकिन वो अपने आप को वो तोप समझता है। और जब वो वहां से निकलता है टोल नाके से और उसको टोल नहीं देना पड़ता, बचाता 35 रुपए, लेकिन मतलब उसका वो ऐसे चोरे होके निकल जाते 3.5 लाख बचाए, है ना। सो यही फीलिंग दीप में आएगी अगर वागले साहब $8 दीप के ट्विटर का देंगे तो देखिए ऐसा नहीं दीप अफोर्ड नहीं कर सकते, वागले साहब से लेने का मजा ही आएगा।